तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी न्यू टॉपिक इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर कहते हैं अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर मिक्स्ड बट हैव नॉट रिएक्टेड केमिकली, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। देखें, दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस कितने भी हों, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे तो रहें, मिक्स तो हो जाएं, लेकिन केमिकल रिएक्शन ना करें। अब जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर एक नया सब्सटेंस या दो नए सब्सटेंस बनाते हैं। ये होता है केमिकल रिएक्शंस। तो मटेरियल या मिक्सर के लिए शर्त यह है कि केमिकल रिएक्शन ना हो उन सब्सटेंसेस के बीच में, मतलब कोई नई चीज ना बने, बल्कि दो सब्सटेंस जो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहें। जैसे सपोज कि हम पानी के अंदर जो शुगर डालते हैं, तो शुगर और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स होकर इकट्ठे रहते हैं, जिससे शुगर का हमें पानी में जायका भी मिलता है, लेकिन शुगर और पानी मिलकर कोई नई चीज नहीं बनाते, बल्कि पानी के अंदर शुगर अपनी शुगर वाली खसूसियात के साथ मौजूद होती है और पानी अपनी पानी वाली खसूसियात के साथ मौजूद होता है। उन दोनों के मिलने से ना तो कोई नई चीज बनती है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है, वो आइडेंटिटीज जो है या प्रॉपर्टीज जो है, वो उनकी इंटेक्ट रहती हैं, वो बकाया रहती हैं, अपनी असल खसूसियात के साथ ही रहते हैं। ऐसी मिक्सचर को, ऐसी चीजों के मिलाप को हम मिक्सचर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच आइडेंटिटीज ऑफ ईच सब्सटेंस आर रिटेन्ड। मतलब हमने यहाँ पे जैसे बात की, जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं उनकी जो आइडेंटिटीज हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस के मतलब ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मिक्सर या इम्प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पे समझने के लिए एक बात लिखी गई है कि इफ टू सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली, सपोज कोई भी दो सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज खो बैठेंगे, ठीक है, और विल प्रोड्यूस न्यू प्रॉपर्टीज इन केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म में। तो जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे तो मिलने से पहले उनकी प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट होगी, लेकिन मिलने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। सपोज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं और वाटर की जो क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। हमारे कुछ टीचर्स हमें समझाने के लिए कहते थे कि बेटा देखो कि ऑक्सीजन जो है इसको आग लगती है, ये आग लगाने के काम आता है। जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो नतीजे में वाटर बनता है और वाटर आग को बुझाने के काम आता है। तो ये एक आसान तरीका है ये समझने के लिए कि जी प्रॉपर्टीज इस लेवल तक चेंज हो जाती हैं कि पहले आग लगाने का काम हो रहा था और अब आग बुझाने का काम हो रहा है। मतलब मिक्सर के जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर इस लेवल तक प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन मिक्सर के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। आगे ये देखें, सपोज ये उसका एग्जांपल है कि ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच टू, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो यहाँ पे एच टू लिखा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल हाइड्रोजन चार होंगे। तो ये ओ टू एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, टोटल एटम जो है वो दो होंगे। ये दोनों मिले तो वाटर मॉलिक्यूल बना। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन वो दोनों मिले और मिलकर एक नया सब्सटेंस बन गया। हाइड्रोजन ना तो अकेला रहा, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज बची, ना तो ऑक्सीजन अकेला रहा, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज बची, और दोनों ने मिलकर वाटर बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है। ये देखें, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे जैसे ये एक दूसरे के पास आया केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होने के बाद H2O बना, ये एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन H2O। तो अब इन एटम्स की प्रॉपर्टीज में और इन एटम्स की बना ये जो मॉलिक्यूल है इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है। अब सपोज यहाँ पे देख लें कि ये वाटर है, इसमें हमने शुगर डाली, अब शुगर को डिजोल्व कर दिया इसके अंदर, शुगर बजाहिर नजर नहीं आ रही लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज फिर भी इंटेक्ट है। मतलब हम बिना शुगर वाला पानी पियेंगे तो वो मीठा नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें शुगर डालेंगे तो वो मीठा होगा। अब शुगर का काम ही मिठास देना है, ठीक है। तो
वो अपनी प्रॉपर्टीज इंटेक्ट रखेगी इसके साथ रह के। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिलने के बाद शुगर ने वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं किया, केमिकल रिएक्शन, बिना रिएक्शन किए हुए एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं। इसको हम मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब अगरचे उनकी प्रॉपर्टीज इंटेक्ट रहें, उनमें केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं। अब देखें मिक्सचर का एक एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स इन फिजिकल कॉम्बिनेशन, सो कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टीज, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला वगैरह या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, उनके अंदर हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। यही वजह होती है कि जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं ऊपर की तरफ। ये जो बोतल बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है, ये दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो ऊपर की तरफ मूव करती है। हमें पता है कि गैसेस हमेशा, अब क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, इसलिए ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर जाते हैं इसलिए जाती है, तो उस असल में उसके अंदर हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भरी हुई होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कोल्ड ड्रिंक के साथ जो रहना है बिना केमिकल रिएक्शन किए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब आप देखिए ये आपके लिए बहुत स्वीट कोल्ड ड्रिंक है जो आप अगर ज्यादा पिएंगे तो बीमार भी हो सकते हैं, और इसीलिए ये आपके लिए रखी और मैंने अपने लिए कुछ और रखा है आगे, हम आपको दिखाते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, वो जैसे ही ओपन करते हैं तो वो ऊपर की तरफ बाहर भी निकल जाता है, या उसे ज्यादा हिलाने से तो फिर और हाई प्रेशर के साथ ऊपर निकलता है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड और ये कोल्ड ड्रिंक दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद मिल्क इज एन एग्जांपल। अब मिल्क के अंदर क्या होता है कि मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट विटामिंस अपने अलग अलग फॉर्म में मौजूद होते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन किए बगैर। ठीक है, तो अब जब हम वो पीते हैं मिल्क, तो मिल्क पीने के बाद हमें वो सारे के सारे जो रिक्वायर्ड विटामिंस होते हैं जो मिल्क के अंदर होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। अगर सपोज मिल्क के अंदर मौजूद विटामिंस एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके कुछ नए सब्सटेंसेस बना लेते तो हमें वो विटामिंस कभी ना मिल पाते। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम बनाया कि मिल्क के अंदर उन जो भी सब्सटेंसेस थे उनमें केमिकल रिएक्शन ना होने दिया, और बिना केमिकल रिएक्शन होने के अल्लाह ताला ने हमें वो विटामिंस प्रोवाइड कर दिए। अब हम मिल्क पीते हैं तो उसमें जो भी विटामिंस या जो भी मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये मिल्क जो है हेल्दी है, इसलिए मैं अपने लिए रखता हूँ, आप भी पिया करें जितना ज्यादा हो सके, और डेली रूटीन बनाएं कि मिल्क जो है वो लाजमी पिया करें। ओके, अब आ जाए मिक्सचर की क्लासिफिकेशन, मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन। अब इसमें आ जाए होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इफ यूनिफॉर्म एंड एवरी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हैज द सेम प्रॉपर्टी। मतलब जो मिक्सचर हो उसमें सब्सटेंसेस की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, उसमें कोई भी किस्म की ऐसी चेंजेस ना हो कि जी सपोज आप एग्जांपल ले लें एक यहाँ पे, व्हेन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। अब सपोज एक पानी के अंदर हम शुगर डालते हैं, अब उस शुगर को उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं कम्प्लीटली। अब सपोज आप उस पानी के गिलास को जिसके अंदर शुगर डिसॉल्व है इसको चार गिलासेस में डिवाइड करें। अब चार गिलासेस में जो आप डिवाइड करेंगे उन चारों को पी के देखें, चारों का टेस्ट सेम होगा। मतलब जो हर एक पार्ट होगा ना उस मिक्सर का, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होंगी, उनका टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होगा। तो होमोजीनस कहते हैं, होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन के पूरे पार्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ये देखें, ये जब इसमें मिक्स हुआ डिसॉल्व हो गया, तो अब इसको भले हम एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट और ये चार पार्ट, जब हम इनको चार पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें तो भी हर एक पार्ट की प्रॉपर्टीज ये होंगी कि हर एक पार्ट जो है वो मीठा होगा पीने में। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी है कि उसके जो भी पार्ट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अब उसके बाद आता है हेटरोजीनस मिक्सचर।
इट इज द मिक्सचर इन व्हिच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट यूनिफॉर्म. अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या था कि जो सब्सटेंसेस की कंपोजिशन थी वो यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगी. मतलब जैसे हमने उसमें बात की थी कि उसके हर एक पार्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, तो उसकी वजह से टेस्ट भी सेम आ रहा था, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. सपोज इसका एक एग्जांपल ले लें, इफ सैंड इज मिक्स्ड विद आयरन फिलिंग्स. मतलब एक हमारी पास सैंड है, ठीक है, रेत है, उसके अंदर छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं, ठीक है. तो अगर हम मतलब वो जो आयरन के टुकड़े होते हैं वो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं उनके उनसे अलग होते हैं, उनके साथ बिल्कुल मिले हुए नहीं होते. ऐसे ऐसे नहीं होगा कि आप अंदाजा ना लगा सकें कि जी ये वाला जो है सैंड सैंड है और ये वाला आयरन फिलिंग्स है. मतलब आप उनको देख के अंदाजा लगा सकेंगे कि जी सैंड और आयरन फिलिंग्स में डिफरेंस है, ठीक है. तो जबकि ग्लूकोज वाटर में जब मिक्स होकर डिजोल्व हो जाता है, तो डिजोल्व होने के बाद जो डिजोल्व शुगर है उसको वाटर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि जी इस जगह पे वाटर है, इस जगह पे ग्लूकोज है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं. आगे फिगर आएगी तो हमें समझ आ जाएगा. तो ऐसे किस्म के जो मिक्सचर होते हैं ना, इनको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन और इनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होती. जैसे सपोज ये फिगर देखें, इस फिगर के अंदर ये जो सैंड ग्रेन्स हैं उनके साथ आयरन फिलिंग्स कोटेड हैं. अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो वाइटिश अपीयरेंस हो रही है हमें, तो ये क्या है, सैंड ग्रेन्स हैं, और ये ऊपर ब्लैकिश स्पॉट में आयरन फिलिंग्स हैं. जैसे ही हमने मैग्नेट रखा, ठीक है, मैग्नेट रखा तो मैग्नेट अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स किसकी तरफ, वो मतलब आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो गई किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ. तो नतीजे में नीचे सारे की सारी सैंड ग्रेन्स बच गई. दरअसल था क्या कि यहाँ पे देखें कि सैंड ग्रेन्स डिफरेंट हैं और जो है आयरन फिलिंग्स डिफरेंट है. अब ये दोनों अलग अलग थे, एक थे तो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट करना बहुत आसान था कि जी ये एक हेट्रोजीनस मिक्सर है, इसमें सैंड ग्रेन्स ये हैं और जो है आयरन फिलिंग्स ये हैं, और वो आसानी से सेपरेट भी हो गई. जबकि एक ग्लूकोज जब वो डिजॉल्व हो जाए वाटर के अंदर, तो उसको वाटर से अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी डिसोल्यूशन के बाद वो मिक्स हो जाएंगे, आप नहीं अंदाजा लगा सकेंगे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या ये ग्लूकोज का पार्टिकल है और ये वाटर का पार्टिकल है. लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सर में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं. अब यहाँ से समझे होमोजीनस मिक्सर, इट हैज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. मतलब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. सपोज सॉलिड की डिसोल्यूशन है, होमोजीनस मिक्सर के आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, हमारे लेवल पे नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस फिगर के थ्रू हम आपको कुछ चीजें समझाते हैं. सपोज सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, जब सॉलिड का सॉलिड के साथ होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो इस तरह समझे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि जी ये वाला सॉलिड कौन सा है और ये वाला सॉलिड कौन सा, वो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आप नहीं अंदाजा लगा सकेंगे. लिक्विड की लिक्विड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देख लें, और गैसेस की आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुख्तलिफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड की सॉलिड के साथ होती है, सॉलिड की लिक्विड के साथ होती है, सॉलिड की गैस के साथ होती है, लिक्विड की सॉलिड के साथ होती है, लिक्विड की लिक्विड के साथ होती है, लिक्विड की गैस के साथ होती है, गैस की सॉलिड के साथ होती है, गैस की लिक्विड के साथ होती है, गैस की गैस के साथ होती है. ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इस जो भी मिक्सर या सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं वो सारे के सारे आप आगे पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे समझने की जो चीज है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है होमोजेनस मिक्सर्स की वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनस की यूनिफॉर्म नहीं होती. जैसे वन सॉलिड एंड वन गैस है तो सॉलिड नीचे होगा गैस ऊपर होगा, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाए दो लिक्विड्स हैं तो एक लिक्विड नीचे होगा एक लिक्विड ऊपर, जबकि यहाँ पे हमने देखा कि लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सड है. आप ऊपर से देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा लिक्विड पार्टिकल कौन से, मतलब मिक्सर में कौन सा लिक्विड पार्टिकल कौन से लिक्विड से रिलेटेड है. अब सेम तरीके से वन सॉलिड और वन लिक्विड में भी ऐसे होगा कि सॉलिड बेस पे होगा और लिक्विड जो है ऊपर होगा. अब यही हमारा लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे.